अभी तक आया ही नहीं यार, गया हुआ है कहीं। वो गांव की लड़कियों को छेड़ तो नहीं रहा? आया नहीं अभी तक। कर वैसे सो मैं क्या कह रही थी, पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पे ना बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग आते नहीं थे ना यहाँ पे एक एक साल 1.5 साल, तो कैमरे लगाए थे क्योंकि बहुत बार चोरियाँ हो गई थी यहाँ पे। सो अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ हर्ष के साथ और हमारे एक दो फ्रेंड्स भी हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन, जैसे बिग बॉस की नज़र रहती है ना हमेशा 24 आवर्स, वो कैमराज में देखते रहते हैं। मतलब अभी जो कलर्स पे आ रहा है वो तो चलो 1 आवर 1.5 घंटे का जाता है, लेकिन जो OTT वाला था वो 24 आवर्स था। तो अभी यहाँ पे जो मैं आई हूँ तो मेरे लिए OTT वाला बिग बॉस चल रहा है। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नीज, मेरे सारे, मतलब हमारे घर का कुत्ता छोड़ के बाकी सब मुझे कैमरा में देखते रहते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे मैंने कल कुछ किया, पिछली पीछे वाली लाइट जलाना, अरे वो फोल्डिंग बेड बिछा लो, कुर्सियाँ बाहर रखो, टेबल पे बाहर लगा लो। तो ऐसे ऐसा कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ बता रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे बाहर बैठ के खाना भी खा रही होती तो कैमरे में दिखता नहीं ना, बस ऐसा लगता कुछ खा रही है। तो पूछते क्या खा रही है, वो पीला पीला कढ़ी बनाई है कि दाल बनाई है, मतलब इतना मेरे पे ध्यान रख रही है। मतलब अभी उनके शायद सारे सीरियल मिस हो गए हैं क्योंकि वो सारा दिन कैमरा लगा के देखते रहते, ये क्या कर रही है, पानी में तो नहीं घुसी या वहाँ तो नहीं कर रही। फिर कल मैं सैर कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो पीछे कहने बहुत सैर कर रही है, बहुत चल रही है, तो उस साइड चल, इसमें चल, मतलब हर चीज़ वो बता रहे हैं। तो ये वो बिग बॉस की आवाज़ है, कभी भी आ सकती है वो। अभी भी मैं आपसे बात कर रही थी तो उनका फोन बीच में आ गया। उनको लगा होगा कि इतनी देर से ये, क्योंकि कैमरे में दिख नहीं रहा होगा ना कि मैं लाइव हूँ, तो उनको लगा होगा किसी से बात कर रही है ये, तो किससे बात कर रही है वो। तो अभी मैंने बता दिया कि मैं लाइव हूँ, तो पक्का देख रही होंगी। अवनी आई लव यू मैम, अरे आई लव यू टू अवनी। अब तुम भी फटाफट नंबर लगा रहो बेबी का। मुझे लगता है आज 10-12 हज़ार लोग मेरे साथ लाइव में हैं और सारे घर बैठे हुए हैं कोविड की वजह से, सही ना? वेरी गुड। मेरी बहन आ चुकी है, मुझे देख रही होगी, मम्मी को भी दिखा रही होगी कि देखो देखो बैठी हुई जे क्या कर क्या रही है ये, अच्छा लाइव है, ऐसे कर रही होंगी। मिस्टर एंड मिसिस लिम्बाचिया। सो गाइज, आपने हमारा इंडियन गेम शो देख रहे हैं, है ना? तो इंडियन गेम शो हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन चलाते हैं, जो 12 to 15 मिनट या 10 मिनट्स का होता है, जितना भी एपिसोड हो, है ना? और प्लीज़ आप देखिए, अभी भी मैंने लिंक डाला है अपने स्टोरी पे, आप देखिए। और बहुत जल्दी जो हमारा एक दूसरा चैनल है लाइफ ऑफ लिम्बाचियाज LOL, उसमें हमने 2 वीडियोस डाले थे। पहले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, दूसरे को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप और अच्छा रिस्पांस दो सेकंड वीडियो को, और बहुत जल्दी, मतलब 2-3 दिन में हमारा थर्ड वीडियो भी आ जाएगा, उसको भी देना। मुझे ना रोज़ रोज़ वीडियो डालना अच्छा नहीं लगता और इतना टाइम भी नहीं होता कि हम डालें। बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं वो रोज़ डालते हैं, सो मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ा मेन काम है, क्योंकि हम TV भी करते हैं तो उधर भी लगे रहते हैं और फिर वापस में आके इतना थक जाते हैं कि वीडियोस बनते ही नहीं है। और मैंने देखा कि जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं ना, इसमें सब बिना मेकअप के ऐसे ऐसे डालते थे क्योंकि वो रोज़ के होते हैं, और हमको पड़ी है मेकअप की आदत, टीवी में टीवी कर करके मेकअप की आदत पड़ी हुई है। मेरे को बिना मेकअप में ऐसे देखती हूँ, मैं क्या हाय, लोग कहेंगे भारती ऐसी दिखती है, वैसे तो मैं बिना मेकअप भी अच्छी दिखती। देखिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ काजल लगाया। बस भूल गई क्या कह रही थी यार, पता नहीं क्या वे चीप हो जाती है। इधर मत खा सोना मेरी चाय के ऊपर, चाय आ गई है। मेरी मम्मी पक्का कह रही होगी कैमरे में देखे, ये पैकेट से क्या डाल रही है चाय में, ये क्या है जो डाला इसने, इसको पूछी बाद में। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनको कि पूछूं ये क्या पी रही है, ये क्या खा रही है। सो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि जब मेरे घर में बेबी होगा तो मेरे उस सर पे मत चढ़ना सब लोग, मैं खुद देख लूंगी अपना। मैंने नर्स बुक कर ली है, जापा बुक कर ली है, तो मैं खुद ही देखूंगी। नहीं, उनकी पता होना है किद्दां
बच्चे जमने हैं, मैं करांगी सारा कुछ। मैं कह रहन दो माता, आप खुद खड़े होने में 3 मिनट लगा देते हो ऐसे ऐसे करके। सो मैं कह नहीं मैं कर लूंगी खुद। अरे मैं खुद कर लूंगी यार, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी बस आप लोग ऊपर रहो, बताते रहो ये चीजें करो, है ना। मेरे को होता कि मेरे को मेरा और मेरा बच्चा छोड़ दो अकेले, मैं खुद पालूंगी, मैं वो बनना चाहती हूँ। मेरे घर अर्जुन आएंगे, ये बड़ा होके बदला लेगा, ऐसे वाला मैंने बच्चा बनाना। मतलब बदला तो किसी से लेगा नहीं, ऐसा वाला बनाना है। तो वो अभी दिन गए कि हाय मम्मी पकड़ना है इसको, नहीं यार बोलो अपना बच्चा खुद संभालो, हमने भी संभाला है। ठीक है चाय देखिए, मैं काली चाय पी रही हूँ। पीछे का पूल दिखा देती हूँ, दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए वह आप लोग कुछ बोलिए। हर्षो पीड़िया बुला लो अब हर्षो को। ये बड़े हर्ष की दीवानी, पता नहीं किधर गया कृष्णा, किधर गया है ये हर्ष वर्ष। हाँ इधर बहुत सारे लोग कह रहे हैं बुला लो अब उनको, कहीं गांव में मार ही ना खा रहे हो किसी को छेड़ के। आए सो आप सब कहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेबी बम्प दिखाओ ये वो, ये लोग बेबी बम्प दिखाती हूँ, इतना आया नहीं अभी वैसे। मैं चाहती मेरा ऐसा हो, ऐसा पता नहीं कब होगा बट अभी ऐसा ही है। सो बहुत सारे लोग कहते रहे थे शूटिंग में दिखता ही नहीं है पेट तेरा, ऐसे वैसे बोलते। तो मैं उनको बोलती हूँ कि एक्चुअली ना मैं मोटी शुरू से थी और पेट भी बड़ा था, क्योंकि कभी सैर ही नहीं की। तो अभी बच्चा पूरा अंदर पूरी ग्राउंड में अकेला इधर घूम रहा होगा उधर घूम रहा होगा, सो इतना पेट दिखता नहीं है मेरा, पता नहीं कब दिखेगा। मैं ऐसे कब हाथ रखूंगी, ऐसे कब करूंगी। तो बहुत सारे लोग कहते पेट दिखता क्यों नहीं। अभी थोड़े थोड़े लोग बोलने लगे हैं कि प्रतीक तुम ज्यादा बोलो मत, बोलते ही तो नेचुरल टम्मी है। हाँ मेरा नेचुरल टम्मी है। हाय गुन्ने, गुन्ने ब्लैक टी एंजॉय करो। गुन्ने मेरी जान, मेरी भाभी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, बच्ची नहीं दो बच्चों की माँ है, हमारे कपिल शर्मा की वाइफ है। शुक्रिया भाभी मुझे आप लाइव में देखने के लिए। ये बंदी वो है, बस इसको एक बार चीज बोलनी पड़ती है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, या मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए, या मुझे ये वाला करवा दो। पता नहीं मेरे लिए तो ये जिन है, मेरे लिए ये जिन है मेरा सच्ची मुच्ची में, कि मतलब जो बोलो हो जाएगा। बस भाभी आप ही ने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है मुझे बस, जबकि ये वीडियो मुझे बड़े खतरनाक भेजती हैं कि ऐसा ऐसे वैसे वाले, बट बस हो जावे उन यार। थोड़े दिन थोड़े महीने रह गए बस, 6, 7, 8, 9, 3 महीने रह गए। ऐसे मैंने ऐसे पकड़ा हो ना, बस जी मैं लाइव के जा रही हूँ, रो ही जा रहा है ये वो, ये रुको मैं इसको थोड़ा रख के आई, पता नहीं तब लाइव कैसी होगी, मैं लाइव जा पाऊंगी कि नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हर्ष कहाँ है, हर्ष कहाँ है। सो गाइज उनको 15 मिनट लगेंगे, तो आप 15 लोग कह रही हूँ 15 मिनट रुकेंगे मेरे साथ। सत्या ब्रेड बटर दे, मेरा बच्चा मांग रहा है। मैं ऐसे ही करती हूँ जब ज्यादा भूख लगती, बच्चे का नाम लगा देती हूँ। सो स्वीर यार, कितने सारे लोग मेरे साथ लाइव है यार, मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता सब वेले बैठे हैं घर में। मेरी बहन बार बार बोली जा रही है कॉल कर हर्ष ने, जल्दी कर अंधेरा होई जांदा या। दीदी बटर है लगा दिया ऊपर, अच्छा सत्या भैया नमक देना,
चाय में जो डुबो के खाने का मजा आता है ना, वो अलग ही मजा है, और वो भी ब्लैक टी में। 6:30 बजे चाय तो पी सकते हैं। तो जब भी मुझे कुछ खाने के लिए चीज देता ना, खास्ता हुआ था करके सत्या, ये बटर गीला था कि तूने खास के किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है सत्या कि हम कोविड से बचने के लिए यहाँ पर आए और तू हमारा कोविड से वेलकम कर रहा हो? नहीं, काशी कहाँ हो रहा है मेरे को ज्यादा? काशी क्या, खांसी? हाँ, वो नहीं हो रहा है। वो क्या गाड़ी की आवाज है? वो सुबह से 2 दिन से पूरा ये काम धाम कर रहा था ना। क्या करूँ दोस्तों, डाइटिंग गई भाड़ में, डाई ईटिंग। हाय रब्बा। सो मेरे को बताओ, किस किस को चाय में डुबो के खाने का मजा आता है? ब्रेड, कई लोग बीच में कह रहे हैं यू व्हाट इज दिस, कैसे खा रही है? अंदर से सबका मन करता है, क्योंकि जब ऐसा ब्रेड को करते हैं ना, क्रिस्पी ब्रेड को चाय में डुबो के ऐसे करते हैं ना, तो जो बटर रहता है ना वो चाय में थोड़ा चला जाता है और चाय थोड़ी ऐसी हो जाती है, घी घी वाली है ना, होती है ना। मुझे नहीं भूख लगी थी, बच्चा मांग रहा था, सॉरी गाइस। आज बड़ी बातें करनी है मैंने आपसे। डिंकी चाय एंड बनमस्का, चाय है बनमस्का नहीं है। अली कैसा है? अली तू मेरे पास केसर लेके आया? अगर तू नहीं लेके आया ना तो देखी फिर। अली कह रहा है फुटबॉल जैसा भांजा, मतलब इसको पता है मैं मोटी हूँ तो बच्चा भी मोटा होगा, और जो के पापा हॉकी जैसे है वो। सॉरी गाइस, फिर से बटर लगाऊंगी मैं। बटर को कभी भी मतलब ऐसा मत कीजिए कि कितना आ गया। गाड़ी आई थी, अपने लोग हैं। सत्या को बोल, एक मिनट आती, कोई आ गया फोटो खिंचाने। मुझे था कि यहाँ, मुझे था कि कौन यहाँ पहचानेगा गाँव वाँव में, प्लीज मना कर दे अभी, अभी नहीं। कौन था सत्या? फोटो खींच के गए? नहीं, मेरा नहीं, घर का बाहर से। क्या दोस्तों, मैं कह रही थी कि ब्रेड बटर कैसे खाना चाहिए। अभी यहाँ पे तो बटर नाइफ है नहीं, लेकिन चमचे में जितना बटर आए वापस नहीं करना, इंसर्ट होती बटर की, तो ऐसे लगाओ। बच्चा खा रहा, बच्चा मैं नहीं, मैं नहीं, मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बच्चा मांग रहा है बच्चा। हाँ यार, बच्चा तो 3 महीने में बाहर आ जाएगा, फिर कैसे, किसके बहाने से खाऊंगी मैं?
एक्चुअली हर्ष लंच करके गया था यहाँ पे और बोलता है रात को क्या बनाओगे, अभी से लग जाओ। बच्चा मांगना बच्चा। कब से परछाई मेरे मुंह पे मेरी लाइफ खराब कर रही है। कितने लोगों को मुझे बताइए कि मेरा ब्रेड बटर देख के भूख लगी खाने को, क्रेविंग हो रही है। आदित्य भारती गैलेक्सी, वाओ गैलेक्सी। कृष्णा ले ले एक पीस, ये पड़ा हुआ है। क्या बोलते 15 मिनट लगेंगे? 15 मिनट का आप लोग वेट करोगे? दो पीस खा ले तो, तीन से दो खाए जो भी मैंने, छोड़ो गिनते नहीं खाना। हाय कविता सानी, गुड इवनिंग। मेरी खुद की बहन मुझे गुड इवनिंग कह रही है, जिन्होंने कभी हाय हेलो नहीं बोला हमको, वो किधर कह रही है हेलो गुड इवनिंग। वाओ गुड इवनिंग कविता। सो अब मैंने फैसला किया है कि मैं डिनर नहीं करूंगी। ये मैंने फैसला किया, बच्चा अब मांग ले तो फिर मैं कह नहीं सकती कुछ। और बच्चे ने जैसे अभी 7:45 हो रहे हैं, 6:40, बच्चे ने 9 बजे मांग ही लेना है। मतलब मैं तो खाऊंगी नहीं अभी, बच्चा मांगेगा तो बच्चे के लिए खाना पड़ेगा मुझे। पौष्टिक आहार यार, बड़ा पाव खाने का बड़ा मन करता है, और वो भी ऐसा होता है कि रास्ते में जा रहे हो तो ऐसा रेकड़ी पे बना रहे होते ना अंकल, ऐसा खुजा हो जाए।